HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। रेवाड़ी के मुख्य बाजारों में पसरे अतिक्रमण को लेकर बार बार अपनी फजीहत करवा रही नगर परिषद एक बार फिर कुंभकर्णी नींद से जाग गई है। वीरवार को रेवाड़ी नगर परिषद के कर्मचारियों ने रेलवे रोड से पसरे अतिक्रमण को हटवाया और लोगों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो उनका चालान काटा जाएगा। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी के मुख्य बाजार में जगह जगह अतिक्रमणकारियों ने अपने पांव पसारे हुए हैं। जगह जगह लोगों ने बेहिसाब अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे आम आदमी का बाजार से निकलना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि आम लोगों में नगर परिषद की छवि बार बार धूमिल हो रही है और अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं होने से नब के ऊपर बार बार उंगलियां उठाई जा रही है। इसी फजीहत को देखते हुए नब ने एक बार फिर अभियान चलाया और वीरवार को रेलवे रोड से जगह जगह पसरे अतिक्रमण को हटाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आज सिर्फ उन्हें सांकेतिक चेतावनी दी गई है और कुछ एक अतिक्रमणकारियों का सामान हटाया गया है। अगर अतिक्रमणकारियों ने अपनी सीमाओं में सामान नहीं रखा या अतिक्रमण को नहीं हटाया तो जल्द ही बड़े लेवल पे कार्रवाई की जाएगी। ये सर इनके लोगों की कंप्लेंट होती है कि आपसी और ये खुद ही मतलब अतिक्रमण ज्यादा करते हैं, करते करते ये 15-20 फुट के ऊपर तक आ जाते हैं और पूरे रोड को कवर कर लेते हैं, तो इससे आने जाने वाले को परेशानी हो रही है। बाजार में जितने भी आते हैं कस्टमर्स आते हैं और आते हैं तो उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। रेलवे स्टेशन रोड पर आप देखोगे जहाँ पब्लिक आती है बाहर की, तो वो रेवाड़ी शहर के लिए सोचती है कि पता नहीं रेवाड़ी शहर कैसा है। तो ओनली अलर्ट दिया है, चेतावनी दी है कि मतलब भैया आगे ना करेंगे तो हमारा चालान काटे, समय सीमा दिया आगे नेक्स्ट डे के लिए समझ लो। हम तो ये चाहते हैं नहीं कि मतलब इनका कोई ऐसे नुकसान हो, लेकिन ये बार बार आगे बढ़ाते रहते हैं और ओनली आज चेतावनी के लिए इनको किया है, आगे चालान करेंगे। HR न्यूज चैनल के लिए रेवाड़ी से मोहनलाल। HR न्यूज यूट्यूब चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।